मात्र 23,000 में आपको पल्सर NS200 वो भी न्यू वाली मिल रही है LED लाइट, 3,000 तक का EMI का ऑप्शन। भाई इतना कम में अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई YouTube पे बताया होगा। प्राइसिंग कितनी आ रही है ये बताइए ऑन रोड। प्रीवियस और कुछ गिफ्ट्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हाँ, मिल सकते हम लोग दे सकते। तो दोस्तों फाइनली आज आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आ गई है ब्रांड न्यू लॉन्च पल्सर NS200। और फाइनली गाइस पटना बिहार में आ गई है, सेकंड स्लॉट गाड़ी आई है। और मैं आज करने वाला हूँ पल्सर NS200 का मिनिमम डाउन पेमेंट आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मिनिमम EMI, लो EMI क्या आ रहा है इसमें वो बताने वाला हूँ, बजाज में कोई ऑफर है तो वो भी बताऊंगा, प्लस फीचर्स क्या क्या चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू ऑल NS200 के लिए। सबसे पहले गाइस लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करते हैं। जो मेन चेंजेस आया है वो आप यहाँ देख सकते हो, थंडरबोल्ट टाइप का आपको DRL दोनों तरफ मिलता है, प्लस लाइटिंग सेटअप अभी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए लाइटिंग सेटअप ये हो गया आपका, अपर डिम हो गया, यहाँ से आपको बंद भी कर सकते हो अदरवाइज ऑन कर सकते हो, प्लस यहाँ पे भी स्विच है मैं वहाँ दिखाऊंगा, आप चाहे तो इसको बंद करके सिर्फ ऐसे ही चल सकते हो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये बैटरी सेवर का भी काम करता है गाइस। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे LED इंडिकेटर भी आ गए, बजाज ने चेंज कर दिया है, मगर इसमें हेजार्ड का फीचर इसमें ऐड नहीं किया है। और भाई सेम इट इज आपको पीछे की लाइट जैसे पहले आती थी LED में वैसे ही मिलती है, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर LED में आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ गाइस आपको हेलोजन में नंबर प्लेट लाइट मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर एक यहाँ मिल जाएगा, दो रिफ्लेक्टर आपको इधर मिल जाएगी। फ्रंट टायर की बात करें तो 100x80 17 इंच का अलॉय व्हील, प्लस इसका जो डायमीटर देख रहे हो ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है, 300mm का इसमें डिस्क का डायमीटर मिलता है, और ग्रेमिका के कैलिपियर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बैक टायर की बात करें गाइस तो ये आपको 130x70 17 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, 230mm का आपको डिस्क का डायमीटर, प्लस ग्रेमिका ही के कैलिपियर्स आपको पीछे भी मिलते हैं गाइस। तो भाई एग्जॉस्ट साउंड की बारी आती है, जैसा कि आप देख लो अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है, पहले भी एक लगा देते साइलेंसर तो क्या जाता है, 10,000 ले लेते एक्स्ट्रा। अब देखिए आवाज सुनिए थोड़ा सा, आवाज आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहले की तरह इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ, इंजन सेम है। सस्पेंशन पे बात करें गाइस तो फ्रंट में आपको USD फोर्क सस्पेंशन मिलता है, अपसाइड डाउन आपको नहीं मिलता है, डाउन सस्पेंशन ही आपको इसमें यहाँ मिलेगा। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, प्लस आपको रेड में मिलेगी, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कितने स्टेप तक कर सकते हो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, मगर एडजस्ट कर सकते हो अपने से। और गाइस बात करते हैं इंजन की, तो आप इंजन देख सकते हो 200cc का इंजन मिलता है, मगर प्रोड्यूस करता है 199.5cc, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, 1-down 5-up मिलेगा आपको इसमें। प्लस पावर की बात करें इंजन की, 24.13 BHP का इसमें पावर देखने को मिलता है। टॉर्क की बात करें तो 18.74 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, और ये 40 तक का माइलेज आपको दे देगी आराम से, कस्टमर की माने तो 35 तक का तो मिल ही जाता है इससे माइलेज आपको इस इंजन से। वन सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, और गाइस लिक्विड कूल आपको इंजन देखने को मिलता है इस साइड, देख सकते हो यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल आपको दिख रहा होगा। और गाइस यहाँ पे 12 लीटर का टैंक मिलता है, इसमें आप E20 फ्यूल भी भरा सकते हो और नॉर्मल पेट्रोल भी भरा सकते हो, और फुल्ली ब्लैक में मिलता है, इनफैक्ट लोगो भी ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। और गाइस सीट हाइट की बात करें तो भाई 805mm का इसमें सीट हाइट मिलता है, पहले की तरह मिलता है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। राइडल के लिए थोड़ा बड़ा स्पेस मिलेगा, पिलियन के लिए थोड़ा सा छोटा स्पेस मिलता है। अब बढ़ते भाई मेन चीज पे, जहाँ पे चेंजेस हुआ है, डिजिटल मीटर आ गया है। एक बार मैं ऑन ऑफ करके आपको पहले चाबी दिखा दूं, चाबी सेम आपको टिपिकल NS जो आती थी 2017 से वही वाली चाबी आ रही है। और प्लस इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख सकते हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, प्लस आपको नेविगेशन यहाँ देखने को मिलेगा। एक बार मैं ऑन ऑफ करके आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको नेविगेशन मिलता है इस गाड़ी में, तो बहुत अच्छा टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, और इसको कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा, थोड़ा टाइट है, USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, पहले नहीं आती थी अब भी आ जाती है, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट किया है इसका। प्लस इधर आते हैं तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ब्लूटूथ को, जैसा आप यहाँ पे कंट्रोल देख सकते हो, ये देखिए इंजन ऑफ, यहाँ से आपका इंजन ऑन चुका है, अब देखिए रिफ्यूल का आपको वार्निंग दे रहा है। प्लस आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखिए ये आपका यूजर ID है पल्सर 511, और इंटर करके आप इसके सेटिंग में भी जा सकते हो। नीचे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, ऊपर आपको RPM मीटर, न्यूट्रल की लाइट मतलब गियर इंडिकेटर आपको यहीं पे मिलता है, और न्यूट्रल की लाइट भी मिल जाती है, ओडोमीटर आपको मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप डिस्टेंस टू MT मतलब कि आपको लाइव माइलेज भी शो करेगा कितना आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है, और यहाँ डिस्टेंस टू MT भी है आपका गाइस, ओडो ट्रिप आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे ऑन आपको मिल जाएगा, वही सेम आपको इंडिकेटर वाली, ये तो मैंने बता दिया, ब्लूटूथ कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो। प्लस होंडा जैसे देता था ना आपको अपर बीम, यहाँ से पासिंग स्विच, वैसा ही सेम आपको मिल जाता है, किल स्विच आपको यही मिल जाएगा, जो लाइट में ऑन ऑफ कर रहा था ना आगे का स्टार्टिंग में याद कीजिए, वो मैं आपको यहीं से करके दिखा रहा था, इंजन इग्निशन स्विच आपको यहीं पे मिलता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं भाई पल्सर NS200 2024 एडिशन के ऑन रोड प्राइस में। तो सोनक सर स्वागत है हमारे वीडियो में सर आपका। सर ये बताइए जो हमारी पल्सर NS200 ब्रांड न्यू आ रही है पटना बिहार में, इसकी प्राइसिंग कितनी आ रही है ये बताइए ऑन रोड। ऑन रोड प्राइस अभी पटना में इसका 1,92,400 अभी पड़ रहा है, 1,92,400 इसका ऑन रोड प्राइस है पटना बिहार। तो सर ये न्यू वाली
1,92,000 की आ रही है। ओल्ड वाली कितनी की आती थी? NS 200 ओल्ड वाला पीस 1,83,000 रुपए का पड़ रहा है। 1,83,000 तो लगता है 6-7,000 का डिफरेंस आया। 8-9,000 रुपए का डिफरेंस, 8-9,000 रुपए का डिफरेंस आया। एलईडी लाइट्स आ गई है, इंडिकेटर आ गई है, डिजिटल मीटर प्लस बिल्कुल डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस यूएसबी चार्जिंग पॉइंट आ गया। बाकी कोई चेंजेस हुए नहीं? जितने चेंजेस हुए थे आपको मैंने बता दिए। अगर सर कोई सब्सक्राइबर हमारे आते, कुछ डिस्काउंट हो सकता है ऑन रोड में? देखिए ऑन रोड में डिस्काउंट की मैं बात तो नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन कुछ फ्रीबीज और कुछ गिफ्ट्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं सर। कोई गिफ्ट वो हम लोग ऑन टेबल में, ऑन टेबल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, टेली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर ये बताइए, अगर 1,92,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं इस गाड़ी पे, ये बता दीजिए। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो 23,375 का एक डाउन पेमेंट आएगा। 23,000 का? तो गाइस 23,000 का मिनिमम डाउन पेमेंट, इससे भी कम नहीं हो सकता? इससे कम क्या होगा? 1,92,000 रुपए की गाड़ी है, आप 23,000 रुपए में गाड़ी निकाल ले रहे हैं, यही बहुत है। मात्र 23,000 में आपको पल्सर NS 200 वो भी न्यू वाली मिल रही है, एलईडी लाइट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, डिजिटल मीटर के साथ। मात्र 23,000 लाइए और NS 200 को अपने घर लेके जाइए, वैसा वाला सीन है गाइस। सर अगर 23,000 का डाउन पेमेंट है हमारा, लगभग 23,000 का, तो ईएमआई कितना आता है? अब ये भी एक इम्पोर्टेंट सा चीज है की ईएमआई भी तो आपको देना है, 23,000 तो देके तो गाड़ी ले लिए। ईएमआई कितना है? ईएमआई की बात करें तो अगर 2 साल की ये बात करें तो 24 महीने में इसका 8,831 रुपए का ईएमआई बनेगा। 8,831 रुपए, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम टेन्योर और बढ़ाते हैं, 3 साल में जाते हैं, तो 3 साल में 36 महीने पे 6,395 रुपए की ईएमआई आएगी। 6,395 रुपए की ईएमआई आएगी, बिल्कुल। और भी टेन्योर है? बिल्कुल, इससे ज्यादा का भी टेन्योर अपने पास है, जबकि हम लोग 4 साल के लिए कर सकते हैं। 48 मंथ में हम लोग 5,196 रुपए का ईएमआई पे, 5,196 रुपए का, 23,000 के डाउन पेमेंट पे आपको 5,000 तक का ईएमआई। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई बस 5,000 का ईएमआई आ रहा है, वीडियो खत्म, लो ईएमआई खत्म, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इससे भी कम का आपको ईएमआई देने वाले हैं। सर हमारे एक सब्सक्राइबर का डिमांड था कि 80,000 का अगर डाउन पेमेंट करते हैं, लगभग 80,000, तो हमारा ईएमआई कितना आएगा? कमेंट बहुत आता है सर, तो इसीलिए हम लोग एक कमेंट उठाते हैं और उनका नाम उठाते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मे बी, और आपसे पूछते हैं सर कि 80,000 के डाउन पेमेंट पे ईएमआई कितना आएगा। 80,000 के डाउन पेमेंट में आपने स्कीम पूछा जैसा कि, तो अगर हम 80,897 रुपीज का डाउन पेमेंट करते हैं, 80,897 का डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस डाउन पेमेंट पे 24 महीने में 5,886 रुपए का ईएमआई बन जाएगा। 24 महीने में 5,886, ठीक है, और 36 महीने के लिए अगर जाएंगे तो 4,262 रुपए का ईएमआई बनेगा। 4,262 रुपए का आएगा हमारे 36 महीने में, और इससे ज्यादा भी टेन्योर अपने, मैंने अभी जैसा कि बताया आपको, 48 मंथ में अगर जाएंगे तो मात्र 3,463 रुपए का ईएमआई बनेगा। मात्र 3,463 रुपए, मतलब 3,400 का मात्र ईएमआई आ रहा है गाइस पल्सर NS 200 पे, न्यूली पल्सर NS 200 पे आ रहा है आपका 3,000 तक का ईएमआई का ऑप्शन। भाई इतना कम में अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई यूट्यूब पे बताया होगा, फर्स्ट वीडियो शायद हमारा ही होगा, मैं भी चेक नहीं किया मैंने। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है गाइस, मात्र 23,000 का डाउन पेमेंट और लो ईएमआई 3,000 तक आ रहा है आपका इसमें, तो ये इतना अच्छा ऑफर किस शोरूम से मिल रहा है ये बता दीजिए सर। देखिए हमारा शोरूम, इसका नाम मगध बजाज, मगध बजाज, जी हाँ, मगध बजाज शोरूम से हम लोग। सर कहाँ पे स्थित है हमारे शोरूम? ये शोरूम हमारा अभी सगुना मोड़ हगौल रोड वाले रोड पे है, आरकेपुरम गेट के बगल में। गाइस आपको पूरा शोरूम एड्रेस अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा आप डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सर ये बताइए अभी बिहार पटना में कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये गाड़ी? पटना में, पूरे बिहार में, पटना ही नहीं पूरे बिहार की अगर बात करें, तो अभी सबसे पहला लॉट बजाज का इस नए मॉडल का हमारे पास ही अवेलेबल हुआ है सर। N160, N125 दोनों मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो गाड़ी आप एक बार शोरूम का चारों राउंड देखिए, आपको ऐसा कोई मॉडल नहीं होगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। न्यू वाली कहीं नहीं मिल रही थी गाइस, सबसे पहले आपको मगध बजाज में मिल रहा है। सर एक बार आप अपना नंबर बोल दो। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9268862 65। सर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप एक बार पॉज करके सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्वेरी के रिगार्डिंग, और कुछ पूछना हो तो सर से पूछ सकते हो। अदरवाइज आप बाहर किस स्टेट से हो? सर बाहर से भी बहुत लोग देखते हैं, असम से देखते हैं, कोलकाता से देखते हैं, सेम ऑफर बजाज से मिल जाएगी सर 22-23 हजार में गाड़ी, और ये इतना मिनिमम ईएमआई बिल्कुल मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, मेरा वीडियो आपको अपने नीरज शोरूम में दिखाना है, बिहार मत आ जाना भाई, नीरज शोरूम में दिखाना है, जो बिहार के पटना के लोग है वही सिर्फ आए यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी मिल नहीं पाती है। अदरवाइज फोर व्हीलर रहता तो आपको मैं जरूर बोलता कि आके आप यहाँ से ले लो, बट ये टू व्हीलर है तो इतना नहीं हो पाता है, आप अपने नीरज शोरूम में जाना, बिहार पटना मत उठ के आ जाना गाइस। तो दोस्तों पल्सर NS 200 का मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बता दिया, अगर आपको इसका अपने स्टेट और सिटी का प्राइसिंग चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में NS 200 का न्यू मॉडल लिखिएगा या ओल्ड मॉडल भी लिख सकते हो, प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन और ROI, अगर आप गाड़ी लेने आ रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं लोन करवाने के लिए, वो सर से पूछ लेते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स बताइएगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आज के डेट में फाइनेंस बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे होता है जी सर, सिर्फ आधार पैन और आप बैंकिंग लेकर आए आपका फाइनेंस। सर फोटो कितने लाने? सर
दो फोटो बस इतने में हो जाएगी बस बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बैठ रहा है सर लोन पे हमारा? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटली डिपेंड करेगा आपके सिविल पे। सिविल पे अगर इनकेस अगर 750 प्लस अगर सिविल है तो 7.99 के अप्रोक्स मिनिमम है 7.99। अदरवाइज सर माइनस वन का सिविल है या सिविल कम है तो उनका 10-11% का भी लग सकता है। 9-10% लग सकता है। ये बात का ध्यान रखिएगा जरूर से, अगर आपके पास सिविल नहीं है तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग सकता है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको फर्स्ट टाइम मालूम चल रहा है, अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो उनको मालूम है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत मेहनत करना पड़ा 200 पे वीडियो लाने का। जल्दी जल्दी हमारा NS160 न्यू वाली पे आएगा भी वीडियो और NS125 पे भी आएगा। तब तक इंतजार कीजिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।